सेलुलर रेस्पायरेशन को हम पढ़े थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्रेब साइकिल की। उससे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को और पायरूविक एसिड ऑक्सीडेशन को देख चुके थे डिटेल में। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम डिटेल में देखेंगे रेस्पायरेटरी चेन को, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं या हम रीकैप कर लेते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक्स को, जो कि क्या है, ग्लाइकोलिसिस, पायरूविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने देखा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ नेट यील्ड अगर हम देखें या ओवरऑल ये जो सीरीज थे स्टेप्स थे हमारे पास ढेर सारे, इनमें हमारे पास प्रोड्यूस क्या हुआ, हमारे पास दो एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए, एक एनएडीएच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, इसके साथ साथ दो पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हुए। अब ये जो दो पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे, इसकी हमने कहा था कि आगे जाके ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन किस तरह से हुई, वो इस तरह से हुई कि इसके अंदर से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए, इसके साथ साथ इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिमूव हो गया, जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया इनटू एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है, ये कंबाइन करता है कोएंजाइम ए के साथ टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये क्या करता है, ये एंटर होता है इनटू क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल क्या है, वो इसका नेक्स्ट स्टेप है। क्रेब साइकिल को जब हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि इसके अंदर, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन करता है इनटू विद ऑक्सैलो एसिटेट, और ऑक्सैलो एसिटेट के साथ कंबाइन करने के बाद कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं या कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो क्या मॉलिक्यूल्स हैं, वो हैं एन ए डी एच, ए टी पी एंड एफ ए डी एच टू। एक दफ़ा क्रेब साइकिल की रन करने से हमने देखा था कि हमारे पास 6 NADH बन रहे थे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे थे और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। अब यहाँ पे जो 6 NADH यहाँ पे है, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि हमारे पास जो पायरूविक एसिड ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस हुए हुए थे। ठीक है, तो 6 NADH यहाँ पे और 2 NADH जो है वो यहाँ से ऐड हो जाएंगे और ये एंटर हो जाएंगे इनटू रेस्पिरेटरी चेन। और रेस्पिरेटरी चेन ही हमारा आज का टॉपिक है। ओवरऑल अगर हम देखें कि इसके इनपुट्स में क्या क्या है, तो इसके इनपुट में हमारे पास 8 NADH है, NADH, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास FADH2 के, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि कुछ एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रोड्यूस हुए थे, बट एटीपी मॉलिक्यूल्स फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रिजाइड करेंगे। अब आ जाते हैं हम रेस्पिरेटरी चेन के ऊपर। रेस्पिरेटरी चेन जो है, बेसिकली इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो फिर डिफरेंट एनर्जी लेवल से गुजरता है। इसी से मिलती जुलती ही कोई एक चीज़ आपने फोटोसिंथेसिस में भी देखी थी, और वहाँ पर भी आपने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो हमने कहा कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहे हैं और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब हम देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एन ए डी एच तो ऑलरेडी है और एफ ए डी एच टू मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो ये जो एन ए डी एच है ये कन्वर्ट हो जाता है या टूट जाता है इंटू एन ए डी पॉजिटिव प्लस प्रोटॉन्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद जो रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि लेट सपोज यही जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप इन्हीं को यूज़ कर लें, और इसमें यह होता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऐड होते हैं विद टू प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन। अब ये कौन सी ऑक्सीजन है, ये वो ऑक्सीजन है जो कि हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन में यूज़ होती है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन एटम के साथ ये कंबाइन करते हैं, वन ऑक्सीजन एटम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हमारे पास बनता क्या है, हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है हमारे पास, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। और इस पूरे स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी इज प्रोड्यूस। एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी, ए टी पी मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पे,
जो सेकेंड रिएक्शन हमने देखा है ये क्या है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, एटीपी मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को जब देखा था, हमने कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर देखा था, जो कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होता है, और ये इसकी आउटर लेयर है, और आउटर लेयर के अंदर हमारे पास इनर लेयर होती है जो कि फोल्ड्स की फॉर्म में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। अब ये जो आउटर लेयर और इनर लेयर के दरमियान की जगह है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है, ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनर लेयर है, इसके अंदर का जो रीजन है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मैट्रिक्स। सो व्हाट डू वी हैव आउटर मेम्ब्रेन, देन वी हैव इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है वो है मैट्रिक्स, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो रीजन है वो कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब अगर आप इन क्रिस्टी को या इन फोल्ड्स को देखें तो ये जो फोल्ड्स हैं बज़ाहिर तो आपको एक लाइन की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा थिक स्ट्रक्चर होता है, और इस थिक स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड हुए हुए होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अगर हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो किस तरह से बनेंगे, इस तरह से, यूं यूं, इस तरह से प्रोटीन कम्प्लेक्स हम इनको कह सकते हैं, इस तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्या हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कुछ सब्सटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन के अंदर यूज़ होंगे। तो वो क्या सब्सटेंसेस हैं या वो क्या मटेरियल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू पहली चीज़ जो इसके अंदर यूज़ होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं या इंटरमीडिएट इंजाइम्स आप इनको कह सकते हैं, जिनको हम कहते हैं साइटोक्रोम इंजाइम्स। इनकी सीरीज़ है जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं, और वो क्या क्या हैं, साइटोक्रोम बी यूज़ हो सकता है, साइटोक्रोम सी यूज़ होता है, साइटोक्रोम ए यूज़ होता है, और साइटोक्रोम A3 यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सीरीज़ या लिस्ट साइटोक्रोम्स की। इसके अलावा हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज़ होते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या रेस्पिरेटरी चेन में। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि हमारे पास NADH तो ऑलरेडी है और FADH2 भी प्रेजेंट है। तो अब जो हमारा रेस्पिरेटरी चेन का एक फ्लो है, इसको हम डिफरेंट स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप वन में हमारे पास क्या होता है कि NADH जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम क्यू। यहाँ पे जो हमने कोएंजाइम क्यू की बात की है ना, तो NADH है हमारे पास और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय कोएंजाइम क्यू। और इसके साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी जो यूटिलाइज होगी वो यूज हो जाएगी इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि कोएंजाइम क्यू जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम बी, और इसके साथ ही साइटोक्रोम बी जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। और यहाँ पे भी हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होगा, ATP। इससे नेक्स्ट स्टेप में साइटोक्रोम सी जो ये है हमारे पास, ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। ये जो साइटोक्रोम ए है और साइटोक्रोम A3 है, ये कंबाइंड फॉर्म में एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा होता है जिसे हम कम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो साइटोक्रोम सी जो है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया है इनटू साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम ए और A3 जो है वो कम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो ये जो कम्प्लेक्स है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। और ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, ऑक्सीडेशन होती है कि यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे दो प्रोटॉन्स भी ऐड हो जाते हैं, और हमने कहा था कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक ATP भी प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। तो अब अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी चेन में जहाँ हमारे पास NADH, वन NADH जो है वो एंटर हो रहा है, वहाँ पे एक ATP यहाँ प्रोड्यूस हुआ, इसके बाद एक ATP यहाँ प्रोड्यूस हुआ और एक ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो एक NADH से हमारे पास 3 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस होते जा रहे हैं वहाँ हम ये देखते हैं कि एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि शुरू में अगर हम देखें तो NADH जब हमारे पास था तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम थी, इसके बाद जब ये NADH ऑक्सीडाइज हो गया इनटू कोएंजाइम क्यू तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। अब कोएंजाइम क्यू जो है इसकी ऑक्सीडेशन होती है टू साइटोक्रोम बी, तो यहाँ पे कुछ और एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। तो इसी तरह आते आते जब हम एंड पे आते हैं, जब हमारे पास वाटर मोलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनिमम एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक चलता है। अच्छा, अब इस स्टेज पे आके आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, इसके अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन कम्प्लेक्सेस जो हैं वो पाए जाते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देख रहे हैं और हमने कहा है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि NADH जब फर्स्ट टाइम ऑक्सीडाइज हो रहा है तब भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसके बाद मजीद जो कुछ प्रोडक्ट्स बने जैसे यहाँ पे कोएंजाइम ए है ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके अलावा साइटोक्रोम सी बना, फिर साइटोक्रोम ए बना, साइटोक्रोम A3 बना, साइटोक्रोम बी था यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो जो डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड या इंटरमीडिएट्स बनते जा रहे हैं इनके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब ये एनर्जी रिलीज होकर जाएगी कहाँ, ये डायरेक्टली ATP नहीं प्रोड्यूस करती, ये एनर्जी अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये एनर्जी यूज़ होती है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास NADH था यहाँ पे, और ये जो NADH है ये टूटा और हमारे पास बन गया NAD पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो NAD पॉजिटिव बने इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोजन आयंस भी बने हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है। तो ये जो एनर्जी है ये यूज़ होगी विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन कम्प्लेक्सेस, ये प्रोटीन कम्प्लेक्सेस इस एनर्जी को यूज़ करेंगे और ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं ये इनको ट्रांसफ़र कर देंगे टूवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे, तो होगा क्या, थोड़े से टाइम के बाद हमारे पास ये जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है इसमें ढेर सारे हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। इसको हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, H आयंस, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, इस तरह से हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रीजन है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो है ये एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे तो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, बाहर की साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है जबकि अंदर की साइड पे हम देखें तो अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब बाहर की साइड पे ढेर सारे एच पॉजिटिव आयंस होंगे और अंदर की साइड पे ढेर सारे नेगेटिव आयंस होंगे, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होने की वजह से अब ये जो एच पॉजिटिव आयंस हैं इनकी मर्जी होगी कि ये अंदर की साइड पे आए, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर एंटर किस तरह से होंगे, एंटर ये होंगे विद हेल्प ऑफ दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि जब भी एच पॉजिटिव आयन बाहर से यानी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से अंदर आने की कोशिश करता है तो फॉर ईच एच पॉजिटिव आयन हमारे पास यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है। वो ATP किस तरह से प्रोड्यूस होता है, वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि अगर हम इमेजिन कर लें ये जो क्रिस्टी है इसको अगर हम इस तरह से इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास वो लेयर है क्रिस्टी की, ठीक है, बिकॉज हमने कहा था कि एक थिक लेयर है और इस थिक लेयर के अंदर हमने कहा है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेड हुए हुए हैं, तो ये हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम इसको इमेजिन कर लेते हैं। अब ये जो प्रोटीन कम्प्लेक्स है इसके अंदर से हमने कहा कि जब भी कोई एच पॉजिटिव आयन इसके अंदर एंटर होगा तो क्या होगा, या हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स का एरिया है इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास ADP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम यूँ क्लोज्ड एरिया कंसीडर करें, ठीक है, तो इसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास ADP और इसके साथ साथ फॉस्फेट
एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो एडीपी है और फॉस्फेट एटम्स हैं ये अलग अलग होते हैं, बट क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अंदर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये हिल जाता है अपनी जगह से। आप ये समझ लें कि यहाँ पे एक एक्सेल है, कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि रोटेट करता है, ठीक है, जो मूव करता है, और इसके मूव करने से ये होता है कि प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से एडीपी जो है वो फॉस्फेट के साथ कंबाइन कर देता है एंड इट फॉर्म्स एटीपी। एंड फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच, एनएडीएच के एक मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे हमारे पास 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी तरह अगर हम FADH2 की बात करें, FADH2 जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी उसकी एनर्जी कम होती है, ये जो FADH2 थे हमारे पास इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू NADH, तो एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अगर हम एक आइडियल सिचुएशन को देख रहे हो तो अगर हम ओवरऑल यील्ड की बात करें कि हमारे पास क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो हम देखते हैं कि 8 NADH है, 8 NADH क्या बनाएंगे हमारे पास, 8 3s are 24, ठीक है, तो ये 24 ATP मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। इसी तरह 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक FADH2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATPs बनाता है, तो हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे। अब अगर हम ATPs को काउंट करें कि ओवरऑल हमने ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ा है इसके अंदर कितने ATPs प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास शुरू में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATPs प्रोड्यूस होंगे, अगर हम यहाँ से काउंट करते जाएं, 2 ATPs यहाँ पे बन गए, ठीक है, वी हैव 2 ATPs। इसके बाद हम पाइरूविक एसिड ऑक्सीडेशन पे आए, यहाँ पे कोई ATP प्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, तो 2 ATPs हैं ओवरऑल हमारे पास अभी तक। क्रेब्स साइकिल में जब हम आए तो हमने देखा कि हमारे पास 2 ATPs मज़ीद और बन गए, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने मेंशन किया हुआ है, 2 or 2 4 ATPs ऑलरेडी हमारे पास हैं। रेस्पिरेटरी चेन में जब हम देखते हैं तो हमने देखा है कि ओवरऑल रेस्पिरेटरी चेन में हमारे पास 24 and 4 28 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो 28 ये और 4 हमारे पास इससे पहले के स्टेप्स में आए थे, तो कितने बन गए। और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास जो NADH प्रोड्यूस हुआ था इस स्टेप में, 2 NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, तो इन 2 NADH से हमारे पास 3 2s are 6 6 और ATPs जो हैं वो ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो ओवरऑल हमारे पास कितने बन गए, ये हमारे पास बन गए 38 ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 38 ATP मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। और ये एक आइडियल सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, समटाइम्स कुछ टेक्स्ट बुक्स में आप इसको 36 भी देखेंगे कि 36 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में ऑब्वियसली इससे कम होंगे क्योंकि थ्रेटिकली हम देख रहे हैं। तो ये तो हमने बात कर ली यील्ड की। इसके बाद एक और चीज़ जो कि डिस्कस करना रहती है वो है फॉस्फोरिलेशन, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब ये फॉस्फोरिलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। फॉस्फोरिलेशन हम कहते हैं ये वो रिएक्शन है या ये वो स्टेप है जिसके अंदर ATP प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है सिंथेसिस ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ATP का बनना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है, और ये जो स्टेप है ये कपल हुआ हुआ होता है विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको रिवाइज कर लें यहाँ पे, ये हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसकी जो आपको पिंक कलर में इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है। और जो मैकेनिज्म है ये क्या कहलाता है? ये मैकेनिज्म कहलाता है केमियोस्मोसिस। तो ओवरऑल ये जो स्टेप्स हमने देखे हैं जिसमें हमने ये कहा था कि शुरू में हमारे पास H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल से गुजरते हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे, और उसके बाद ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं यानी कि जिनको हम प्रोटॉन्स भी कह रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोटॉन्स हैं ये वापस एंटर हो जाएंगे इनटू मैट्रिक्स। तो ये जो स्टेप है इस पूरे स्टेप को हम कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है,
एंड बिकॉज ये सब कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, हमने यहाँ पे देखा था इस रिएक्शन में भी, अगर आप देखें ये रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसके साथ साथ हमारे पास एक और टर्म जो है वो भी यूज़ की जाती है, ये तो आपने देख लिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसके साथ एक और टर्म यूज़ की जाती है जो कहलाती है सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन। अब सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन क्या है, वो बहुत ही सिंपल स्टेप होता है, उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास ADP प्रेजेंट है और इसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास कहीं से भी एक एंजाइम आ जाता है और इस एंजाइम के साथ ये जो ADP है ये भी अटैच हो जाता है और फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है, तो ये एंजाइम जो है क्या करता है कि ये हेल्प करता है इन दोनों को आपस में अटैच होने में, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास ATP बनता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं ये है हमारे पास सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन। और फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है, फॉस्फोरिलेशन हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो ये कुछ खास टर्म्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है, हमने अभी तक जितना भी सेलुलर रेस्पिरेशन की बात की है वो हमने देखा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, हमने कहा था कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है टूट के दो पायरोविक एसिड बनाता है, और ये जो दो पायरोविक एसिड्स हैं, टू पायरोविक एसिड्स, ये मज़ीद ढेर सारे रिएक्शन से होते हुए यहाँ पे क्रेब साइकिल भी आ जाता है, रेस्पिरेटरी चेन भी आ जाती है, एंड में हमारे पास क्या चीज़ बनती है, एंड में हमारे पास हमने कहा था कि 38 ATP मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और ATP मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि ये एनर्जी पैकेट्स हैं, इनके एनर्जी सेव होती है और ये एनर्जी हम सेल के अंदर कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बात हो रही है ये हो रही है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें या इवन ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम जानते हैं कि हमारी फूड जो है इसके अंदर बहुत सारे और एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, यानी कि हमारे पास हमारी जो फूड है इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अलावा फैट्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं। अगर हम फैट्स को देखें तो उसके अंदर भी रेस्पिरेशन हो जाती है, वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है कि फैट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंटू फैटी एसिड्स। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इंटू फैटी एसिड्स, और जो फैटी एसिड्स हैं वो फिर रेस्पिरेशन का हिस्सा बनते हैं और उससे एनर्जी यील्ड करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास लेट सपोज 8 कार्बन फैटी एसिड है, तो इस 8 कार्बन फैटी एसिड से हमारे पास 4 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और 4 एसिटाइल कोएंजाइम ए से इन टोटल हमारे पास 48 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि हमारे पास 3 चेन्स हो, यानी कि 3 चेन्स हो फैटी एसिड्स की, तो ओवरऑल हमारे पास कितने बन जाएंगे, 144 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इससे आप देख सकते हैं कि फैट्स जो है, इसीलिए कहा जाता है कि फैट्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी सेव होती है। तो ये हमने देख लिया रेस्पिरेशन को। एक दफ़ा जल्दी से हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात की जिसमें ग्लूकोज चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, इसके बाद हमने पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन को देखा जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है, इसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल को देखा, क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास NADH ATP और FADH2 प्रोड्यूस होता है, रेस्पिरेटरी चेन को देखा जिसके अंदर हमने देखा कि ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं, और एंड में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली यूज़ हो जाती है। ये जो स्टेप है ये तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जबकि जब हम एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनके अंदर सिर्फ फर्स्ट स्टेप यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप पाया जाता है, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद उनके अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये था हमारा रेस्पिरेशन का टॉपिक।